Figure below show the pictorial view of an object using first angle method. Draw front view in the direction of x, top view and side view from the left. So ये मेरा object है, इसका मुझे front view, top view and side view draw करना है by using first angle method. First angle method में कभी भी जब का front view रहेगा वो top पे रहेगा, side view x axis के below या फिर front view के नीचे. यहाँ पे है साइड व्यू फ्रॉम द व्हाट, लेफ्ट. यहाँ से तो साइड व्यू फ्रॉम द लेफ्ट मीन्स मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है. कभी भी फर्स्ट एंगल में लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में ड्रॉ होता है, और राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ होता है. सो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करना है. ये मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस ले लिया है. दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया. एट 10 mm डिस्टेंस पे मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो लाइन ड्रॉ किया, और फिर 10 mm का ईच इंटरवल डिस्टेंस पे मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस भी दो लाइन ड्रॉ किया. फ्रंट व्यू में देखूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ, तो मुझे क्या क्या दिखेगा. फर्स्ट मुझे ये सेक्शन दिखेगा, सेकेंड आपको ये दिख जाएगा, और थर्ड आपको ये सर्कल दिखेगा, और साथ में ये जो कट है ये भी आपको दिखेगा. मैं ये पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कह लेता हूँ, बिकॉज मुझे फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो दिस इज़ माय ओरिजिन, जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन एंड वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगा. दैट पॉइंट इज कंसिडर एज अ ओरिजिन ऑफ फ्रंट व्यू डायग्राम. मैं यहाँ से टोटल 110 mm का लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फिलहाल के एक मिनट के लिए ये जो कट है इसको आप फॉरगेट हो जाओ. मीन्स टोटल लेंथ डायरेक्टली मुझे 110 mm का ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, मैं यहाँ से 110 mm का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. ये पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है वो मुझे मिल, ये हाइट मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ अ 15 mm. तो मैं 15 mm वर्टिकली ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों पॉइंट से. अभी मुझे ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ का जो पॉइंट वो मिल गया, तो मैं ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ. सो मैंने ये सेक्शंस ड्रॉ कर लिए इन फ्रंट व्यू. फ्रेंड्स उसके बाद डायरेक्टली आपको ये सेक्शन दिखेगा दिस वन, और मुझे ये जो लार्जर सर्कल है और ये जो स्मॉलर सर्कल है ये भी दिखने वाला. तो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, मैं ये सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. सर्कल के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये मेरा जो 110 mm है उसको डिवाइड बाय 2 करने पड़ेंगे, बिकॉज मुझे सेंटर फाइंड करना है. तो मैं कंसिडर करता हूँ ये जो मेरा दो सर्कल है ये डायरेक्टली इसके बीच में, ये डायरेक्टली जो मेरा लाइन है उसका जो मिड पॉइंट है वहाँ से जो मुझे लाइन ड्रॉ करना है, सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, वहाँ पे ये दो सर्कल है. तो टोटल मुझे कितना हो जाएगा, 110 / 2, 55. 55 के पॉइंट पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मेरा 55 है, सो मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस. मैंने क्या किया, ये सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो पॉइंट मिला वहाँ से मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू वाई एक्सिस. मुझे ये सेंटर लाइन मिल गया. अभी मुझे इसका ये सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, ये सेंटर लाइन फाइंड करने. तो टोटल डिस्टेंस देखो मुझे दिया है 60, उसमें जो ये लार्जर सर्कल है उसका रेडियस दिया है 25 mm. मीन्स वॉट, यहाँ से 25 mm बिलो जाऊंगा, ये 60 के बिलो जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा. तो सिंपली 60 माइनस ऑफ 25 कितना हो जाएगा, 35. मतलब मुझे यहां से 35 mm के डिस्टेंस पे ये सेंटर पॉइंट मिलेगा. तो सिंपली मैं यहां से एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूं 35 mm के डिस्टेंस पे. एक्चुअली
इसमें आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो लार्जर सर्कल है वो डायरेक्टली ये पॉइंट को टच हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि इसके 10 mm एबव है। सो मेरा यहाँ पे सेंटर मिल गया। तो मैं दो सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। एक सर्कल का जो रेडियस है 25 है, जो अनदर स्मॉलर सर्कल है उसका डायमीटर है 24, तो उसका रेडियस हो जाएगा 12 mm। मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए। द फर्स्ट वन जिसका मुझे रेडियस दिया था 25 और सेकेंड का जो डायमीटर दिया था 24, तो इसका रेडियस मैंने फाइंड आउट किया 24/2, दैट इज़ अ 12 mm। जो मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो मुझे ये दिखेगा, और ये तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। तो सिंपली मेरे पास ये दोनों पॉइंट अवेलेबल है, मुझे कि ये लाइन ड्रॉ करना है, तो ये लाइन मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? ये लाइन इसके पैरेलल है। ये लाइन कहाँ तक गया है? टिल द टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट ये हो गया। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि मेरा टेंजेंट रहेगा ये लार्जर सर्कल का। मेरा ये सेक्शन भी बन के रेडी। अभी हम इस पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड मैंने ये सेक्शन ड्रा कर लिया, ये भी मेरा हो गया, दिस वन इज ऑल्सो, और ये हॉलो सर्कल भी। एक ये कट ड्रा करना है। कट के लिए जब मैं फ्रंट से देखता हूँ तो ये मुझे कट नहीं दिखेगा, मुझे डेप्थ ऑफ कितना कट है इसमें, डेप्थ इसका कितना है वो नहीं दिखने वाला है, वो टॉप से दिखेगा। तो मैं इसको एक रेक्टेंगल कंसिडर करता हूँ। अभी रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए आपको ये चार पॉइंट्स की ज़रूरत है। चार पॉइंट्स कैसे फाइंड करोगे? तो ये सेंटर जो है, ये सेंटर लाइन, ये आपके पास अवेलेबल है। ये सेंटर से यहाँ पे देखो कि रेडियस दिया है 10 mm। 10 mm का क्या है? हाफ सर्कल है, मींस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 mm है। सिमिलरली ये पॉइंट टू दिस पॉइंट भी 10 mm है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सेंटर लाइन है वहाँ से 10 mm राइट साइड और 10 mm लेफ्ट साइड मैं पॉइंट मार्क कर लूँगा। उस पर डायरेक्टली मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसे? देखो ये सेंटर आपको पता है, ये सेंटर लाइन आपको यहाँ पे है। ये सेंटर से 10 mm ये और 10 mm दोनों साइड, 10 mm ये साइड और 10 mm ये साइड मैं मार्क कर देता हूँ। और मैं डायरेक्टली इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फ्रंट में आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल के ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गए, ये पॉइंट यहाँ पे, और दिस वन इज हियर। और इसको क्या करोगे आप? ज्वाइन करो। तो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है टोटल लेंथ में। सो मेरा फ्रंट व्यू बन के रेडी है। मैं टॉप व्यू बनाने के लिए मैं सब प्रोजेक्शंस नीचे ले लेता हूँ फर्स्ट। आपको टेंजेंट का भी प्रोजेक्शंस लेना है। टॉप से देखता हूँ तो मुझे फर्स्ट ये सेक्शन दिखेगा, सेकेंड ये कट दिखेगा, एंड थर्ड आपको जो इंक्लाइंड है ये दिखेगा, और टॉप का ये पोर्शन दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। सिमिलरली ये जो स्लोप है सिमिलरली ये साइड से भी रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक ये साइड भी रहेगा। तो ये पॉइंट मेरा कहाँ पे आएगा? यहाँ। सिमिलरली जैसा यहाँ पे है दो पॉइंट, वैसे ही देखो ये पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, बट ये पॉइंट आपको क्या हिडन है, वो साइड दिख नहीं रहा है। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? इसी लाइन के पीछे, यही पॉइंट के पीछे। तो मेरा ये पॉइंट कहाँ पे है इसमें? तो मेरे पास ओरिजिन पॉइंट मिल गया, एक ओरिजिन पॉइंट वन एंड ओरिजिन पॉइंट टू। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं ये सेक्शन ड्रॉ करता हूँ। ये सेक्शन के लिए मुझे ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया, और ये साइड का जो पॉइंट था मैं कंसिडर करता हूँ कि यही पॉइंट है, वो पॉइंट यहीं पे दिखेगा टॉप से, तो ये भी यहाँ पे मिल गया। टोटल हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक दिया है, कितना है ये? 50 mm। तो मैं 50 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और साथ में मैं ये दोनों जो पॉइंट है दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। बिकॉज जब टॉप से देख रहा हूँ तो ये क्या है, ज्वाइन दिखेगा एक रेक्टेंगल शेप में।
कि मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, टोटल 50 mm है, तो 50 mm डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं ये पॉइंट से ले लिया, सिमिलरली ये पॉइंट से भी ले लूँगा मेरा ये पॉइंट, और यहाँ पे जो पॉइंट था वो मिल गया। यहाँ पे देखो आप, तो एक्चुअली कर्व सेक्शन है, रेडियस दिया है 10 mm, वो मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अगेन 2 मिनट के लिए इसको आपको भूल जाना है, पहला मैं एक नॉर्मल फेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मैं ये दोनों पॉइंट को एक नॉर्मल फेंट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। अभी फ्रेंड मुझे एक कट ड्रॉ करना, एक कट ड्रॉ करने के लिए मुझे सेंट्रल लाइन चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो डेप्थ ऑफ कट है टोटल कितना है 20 mm, कैसे, यहाँ पे जो हाफ सर्कल है उसका रेडियस दिया है 10 mm, और हाफ सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस भी दिया 10 mm। जो मेरा सेंटर लाइन है वहाँ से ये साइड 10 mm का डिस्टेंस है और ये साइड 10 mm का डिस्टेंस का कट है, यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 mm है और यहाँ से सिमिलरली यहाँ तक का भी डिस्टेंस 10 mm है। टोटल डिस्टेंस मुझे दे दिया है 20 mm। ये जो सर्कल है हाफ सर्कल उसका रेडियस दिया है 10 mm, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 mm। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा सेंटर लाइन है उससे 10 mm ये साइड और 10 mm अनदर साइड एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कहाँ तक टिल उसका हाइट है और 10 mm है, जो डेप्थ है उसका 10 mm। तो 10 mm आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया फ्रंट व्यू में। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ गया, जस्ट आप हाइट ड्रॉ करोगे, ये जो डेप्थ है अंदर की साइड वो ड्रॉ करोगे, उसका डिस्टेंस दिया 10 mm। तो मैं 10 mm का लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ ये प्रोजेक्शंस पे, सिमिलरली ये साइड से भी 10 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ प्रोजेक्शंस पे, मुझे ये लाइन मिल गया। मैं यहाँ पे एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मुझे सेंटर मिले, ये सेंटर से आपको इजीली सर्कल हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जिसका रेडियस दिया 10 mm। तो मैं 10 mm का एक हाफ सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये सेक्शन भी बन के रेडी। नाउ फ्रेंड अभी मुझे रेडियस प्रोवाइड करना है, यहाँ पे एक्चुअली फिलेट दिया है 10 mm का। फिलेट बनाने के लिए मुझे रेडियस का सेंटर चाहिए, ये जो मेरा रेडियस है इसका सेंटर चाहिए। ये आप कैसे फाइंड करोगे, तो 10 mm ये लाइन पे और 10 mm ये लाइन पे कट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, वो रेक्टेंगल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से आप 10 mm का एक कर्व ड्रॉ करोगे। कैसे, तो देखो यहाँ से मैंने 10 mm ले लिया, सिमिलरली ये साइड से भी मैं 10 mm के डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट। अभी मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सिमिलरली पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो मेरा 10 mm पे पॉइंट था वो लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से मैं 10 mm का एक कर्व ड्रॉ कर दूंगा, सेंटर मुझे ये होगा, ये जो मेरा जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट सेंटर पॉइंट कंसिडर होगा, और यहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ जिसका मुझे रेडियस है 10 mm। अरे ये कर्व बन गया, सिमिलरली आप ये साइड भी करोगे। अगेन मैं यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस पे लाइन कट कर दिया, फिर वर्टिकली यहाँ से 10 mm कट कर दिया हूँ, अगेन मुझे ये सेंटर मिल गया, यहाँ से 10 mm का कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। सो मेरा ये सेक्शन बन के रेडी। तो जब आप टॉप से देखोगे तो आपको ये भी दिखेगा और ये सेक्शन भी दिखेगा, ये मेरे पास ये पॉइंट अवेलेबल है यहाँ पे, सिमिलरली ये साइड भी ये पॉइंट अवेलेबल है। ये पॉइंट फाइंड करना है तो टोटल थिकनेस इज गिवन 10 mm, यहाँ से मैं 10 mm पे एक कट कर देता हूँ पॉइंट, यहाँ पे आ गए, सिमिलरली ये साइड से भी 10 mm का पॉइंट पे कट कर देता हूँ, और मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगा। ये लाइन आप कहाँ तक ड्रा करोगे,
ए लाइन आप ये पॉइंट से जो स्मॉलर सर्कल है वहाँ तक ड्रॉ करोगे, सिमिलरली ये साइड भी ड्रॉ करोगे और उसका जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको मैं डॉटेड डिनोट करूँगा। स्मॉलर सर्कल टेंजेंट है, मैं वहाँ तक इसको डार्क लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सिमिलरली फॉर दिस। उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ। वाई? बिकॉज जब आप टॉप से देखोगे तो ये जो लाइन है टिल कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक। मैं कंसिडर करता हूँ ये जो मेरा प्रोजेक्शंस है वहीं तक आएगा, सिमिलरली ये साइड। रिमेनिंग इसका आगे का जो सेक्शन है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, वो दोनों में कंबाइन हो गया, ज्वाइन हो गया, तो मुझे दिख नहीं रहा है कि एग्जैक्ट ये इसका जो थिकनेस है ये लार्जर सर्कल का कितना है। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ। सिमिलरली मैं ये साइड से भी ड्रॉ करूँगा तो ये पॉइंट मिलेगा, तो इन बिटवीन दैट ये जो मेरा दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था उसको मैंने डॉटेड ड्रॉ कर दिया। और चाहिए तो कुछ थोड़ा सा कर्व प्रोवाइड कर दिया। सो फ्रेंड्स मुझे ये ड्रॉ करना है टॉप सर्कल, तो मेरे पास ये पॉइंट अवेलेबल है यहाँ पे। सिमिलरली इस साइड का जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट मुझे हाफ सर्कल ही दिखेगा, इतना ही दिखने वाला है। तो ये पॉइंट तो आपने यहाँ पे ले लिया, ये साइड का पॉइंट कैसे लगे, जैसे आपने ये साइड लिया जो लार्जर सर्कल है उसका प्रोजेक्शन का पॉइंट, सिमिलरली मेरा लार्जर सर्कल का प्रोजेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ गया। चूँकि ये मेरा रेक्टेंगल दिखेगा तो मेरे पास दो पॉइंट अवेल है, दोनों को मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। मुझे इसका हाइट चाहिए, हाइट कितना रहेगा ये भी आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 20, तो मुझे इसको 20 mm बिलो दोनों साइड से ले लेना है। तो मैंने ये लाइन और यहाँ से दिखेगा ये लाइन ड्रॉ कर लिया। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ ये मेरा एक रेक्टेंगल है। अब एक्चुअली रेक्टेंगल में आपको ये पॉइंट और ये मिल गया, तो सिंपली मैं क्या करूँगा इसको ज्वाइन कर दूँगा। जब भी आप टॉप से देखोगे तो ये स्मॉलर सर्कल आपको नहीं दिखेगा, ये आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं डॉटेड लाइन से डिनोट करूँगा। तो इसका प्रोजेक्शंस कहाँ पे है, ये यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, सिमिलरली ये साइड में आपको यहाँ से यहाँ तक। तो इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो मेरा डॉटेड लाइन रहेगा, बिकॉज वो मेरा हिडन ऑब्जेक्ट है। सो मेरा ये टॉप व्यू बन के रेडी है। मैं वो वापिस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पॉइंट को यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर किया, सिमिलरली ये साइड का भी रहेगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद टोटल लेंथ जो ये था 50 वो मैंने ले लिए दोनों साइड, और उसके बाद मैंने एक फ्रंट लाइन से दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया। अभी मुझे कट प्रोवाइड करना था, तो ये कट कैसे प्रोवाइड करोगे, ये आपके पास सेंटर लाइन अवेलेबल है, फ्रंट से आपने प्रोजेक्शंस लिया था। ये कट क्या, जो टोटल डिस्टेंस है वो 20 है, इसका जो हाफ सर्कल है वो 10 mm का रेडियस लेके बनाया हुआ है, और यहाँ से जो इसका इतना हाइट है वो भी 10 mm दिया है। इट मीन्स ये सेंटर लाइन से ये साइड 10 mm और ये साइड 10 mm का कट है। तो मैंने क्या किया, ये सेंटर लाइन से ये साइड 10 mm और ये साइड भी 10 mm का पॉइंट ले लिया, और 10 mm का जो ये डेप्थ था उतना मैंने एक लाइन जो ड्रॉ कर दिया। ये 10 mm आपको पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने जो फ्रंट में बनाया था उसको मैंने नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। उसके बाद जहाँ पे ये दोनों 10 mm का लाइन फिनिश होता है वहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके फ्रंट लाइन, तो मुझे सेंटर लाइन मिल गया। यहाँ से मैंने 10 mm का एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा कट बन के रेडी है। फिर यहाँ पे आते हैं, एक्चुअली यहाँ पे फिलेट ड्रॉ करना है, ये जो कर्व है उसको फिलेट बोलते हैं 10 mm रेडियस का, बट मेरे पास सेंटर नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा पॉइंट था वहाँ से 10 mm पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ से मैंने ये लाइन पे 10 mm का एक पॉइंट ले लिया, और फिर मैंने लाइन को प्रोजेक्ट कर दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया वहाँ से मैंने 10 mm का कर्व ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा फिलेट ड्रॉ हो गया। सिमिलरली मैं ये साइड भी करता हूँ, तो मेरा ये सेक्शन बन के रेडी हो गया। फिर मैं जब टॉप से देखता हूँ तो मुझे ये वेज दिखेगा, ये जो इंक्लाइन है ये साइड के ऐसा ये साइड भी रहेगा, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, सिमिलरली वो साइड का पॉइंट आपको यहाँ पे है। टोटल थिकनेस 10 mm दिया है, तो मैंने 10 mm ये लाइन पे ले लिया। उसके बाद मुझे ये लाइन ड्रॉ करना था, ये लाइन का मुझे कुछ लेंथ नहीं दिया है, तो मैंने क्या कंसिडर किया, ये जो मेरा स्मॉलर सर्कल है उसका जो प्रोजेक्शन है टिल दैट पॉइंट तक मुझे ड्रॉ करना है। तो मैंने ये लाइन को, ये जो मेरा प्रोजेक्शन था स्मॉलर सर्कल का, वहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली ये साइड से भी
जो स्मॉलर सर्कल का प्रोजेक्शन है वो पॉइंट तक ड्रॉ कर दिया, बिकॉज एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा कर्व प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद ये जो वेज है, ये जो मेरा इंक्लाइन पोजिशन था उसमें देखो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया लार्जर सर्कल, तो मुझे इसका आगे का पोजिशन नहीं दिखेगा तो मैंने उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। फिर मैं जब टॉप से देखता हूँ तो मुझे लार्जर सर्कल का जो टॉप मोस्ट पोजीशन का जो ये पार्ट है वो दिखेगा, तो इसको मैं रेक्टेंगल कंसीडर करूँगा। तो मैक्सिमम में कितना दिख सकता है, मैक्सिमम आपको ये हाफ सर्कल ही दिखेगा, तो हाफ सर्कल और ये पॉइंट है आपके पास, तो ये क्या हो गया एक तरह से रेक्टेंगल कंसीडर होएगा। ये पॉइंट आपको कहाँ पे, यहाँ पे। सिमिलरली ये जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो कौन से सेट रहेगा, बिकॉज ये लार्जर सर्कल ड्रॉ करो तो लार्जर सर्कल का आप प्रोजेक्शन ले लो, जहाँ पे कट रहा वही पॉइंट आपको इसका स्टार्टिंग ये पॉइंट और यहाँ से जो एंडिंग है वो पॉइंट मिलेगा। तो सिमिलरली ये पॉइंट मेरा यहाँ पे हो गया, अनदर पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो वह प्रोजेक्शन ऑफ लार्ज सर्कल। उसके बाद टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट कितना है दिस 20 mm, तो मैंने 20 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया दोनों साइड से और फिर मैंने इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, तो मेरा लार्जर सर्कल हो गया। फिर जो मेरा स्मॉलर सर्कल है वो ड्रॉ करना है, तो सेंटर लाइन आपके पास ऑलरेडी है, प्रोजेक्शंस आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज जब आपका स्मॉलर सर्कल है और टॉप से दिखने वाला नहीं है तो हिडन लाइन में ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये जो मेरा प्रोजेक्शंस था उस पर मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा टॉप व्यू बन के रेडी हुआ। अभी मैं साइड व्यू ड्रॉ करूँगा, साइड व्यू कौन सा, साइड व्यू फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये कौन सा आएगा राइट साइड में आएगा, तो मैं ऑल प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ एंड देन मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करता हूँ। सिमिलरली मैं फ्रंट व्यू का भी प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ, सो मैंने ऑल प्रोजेक्शंस ले लिया है। सो फ्रेंड्स मैंने फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, अब मुझे साइड व्यू ड्रॉ करा है फ्रॉम द लेफ्ट। कभी भी फर्स्ट एंगल में आप साइड व्यू ड्रॉ करते हो, जब भी आप लेफ्ट से ड्रॉ करते हो तो राइट हैंड साइड में ड्रॉ करोगे, तो मैंने ऑल प्रोजेक्शंस ले लिया है फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज टॉप एट एंगल ऑफ 45। नाउ जब भी आप साइड से देखोगे तो आपको फर्स्ट ये रेक्टेंगल दिखेगा, सेकंड आपको ये वर्टिकल, सेकंड आपको ये जो इंक्लाइन पोजीशन है ये दिखेगा, और थर्ड आपका ये जो लार्जर सर्कल है इसका जो सरफेस है ये दिखने वाला है, बस इतना ही एक्चुअली में दिखेगा और इसका हिडन लाइन दिखेगा। तो मैं ये पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ये पॉइंट कहाँ पर है, इसका प्रोजेक्शंस लिया, अगेन इसका भी प्रोजेक्शन, तो ये पॉइंट यहाँ पर, दैट इज़ दिस पॉइंट इज़ अ ओरिजिन। टोटल हाइट दिया है 50 mm, ये भी मेरा 50 है, इसका भी मैंने प्रोजेक्शंस लिया है, ये देखो यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अगेन ये हाइट कितना है 15 mm फ्रॉम दिस पॉइंट एज वेल एज दिस, तो टोटल 15 mm का ड्रॉ करना है हाइट, ये भी 15 mm है, इसका मैंने प्रोजेक्शंस ऑलरेडी है, जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दो। सो फ्रेंड्स मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट अवेलेबल है, तो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट मुझे इजीली मिल जाएगा, कैसे, ये जो आपका 10 mm का है इसका प्रोजेक्शंस लिया, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट आपको इजीली मिल गया, यहाँ से आपको ये लाइन ड्रॉ करना है। ये आप लाइन कहाँ तक ड्रॉ करोगे, तो सिंपली जैसे आपने इसमें टॉप व्यू में ड्रॉ किया था जो आपका स्मॉलर सर्कल है उसके प्रोजेक्शन लाइन तक, तो मेरा इसमें भी प्रोजेक्शन लाइन है, तो मैं ये प्रोजेक्शंस लाइन में ड्रॉ करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ बिटवीन दीज टू पॉइंट, बिकॉज ये कर्व है तो इसको मैं थोड़ा सा कर्व प्रोवाइड करता हूँ। इतना सेक्शन हो गया, ना ये पॉइंट भी मुझे मिल गया, टोटल थिकनेस दिया है 20 mm, यहाँ पे भी आपके पास 20 mm का ड्रॉ किया है आपने, ये इसको मैंने प्रोजेक्शंस ले लिया, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, तो ये लाइन मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसा, ये पॉइंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है 20 mm का, तो 20 mm का आपने प्रोजेक्शन लिया, जहाँ पे कट हुआ वो पॉइंट मेरा इजीली मिल गया, तो मैं एक लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ बिटवीन दीज टू पॉइंट।
सो फ्रेंड्स मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। जब भी आप साइड से देख रहे हो ये आपको पूरा सेक्शन दिखेगा, मेरे पास ये पॉइंट अवेलेबल है यहाँ पे, ये पॉइंट भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो ये मुझे पूरा सर्कल दिख रहा है। कहाँ तक दिखेगा? यहाँ तक, जो हाफ सर्कल है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, बिकॉज जब साइड से देख रहे हो तो ये रेक्टेंगल में दिखेगा। सो ये पॉइंट जो है मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मैंने प्रोजेक्शंस ऑलरेडी लिया है, तो मुझे एक रेक्टेंगल दिखेगा ऐसा शेप में, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, दिस वन इज़ हियर, और ये पॉइंट फाइंड करना है। तो ये आपको कहाँ पे, ये जो लार्जर सर्कल है उसका प्रोजेक्शन लाइन कहाँ पे है, ये देखो। सो ये लाइन मेरा प्रोजेक्शन लाइन हो गया, ये देखो यहाँ पे था, यहाँ से मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, तो मतलब मेरा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं फर्स्ट ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। सेकेंड मैं ये कितना लूँगा, ये मैं कितना ज्वाइन करूँगा, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ। तो जब भी आप साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ ये सेक्शन दिखेगा, ये तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, ये क्या है, ये दोनों लाइन यही है। तो मेरा सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मेरा ऑल सेक्शंस ड्रॉ हो गए। अभी मैं जब साइड से देख रहा हूँ तो मुझे ये नहीं दिखेगा स्मॉलर सर्कल, तो इसको मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन से डिनोट करूँगा साइड से। ये तो आपको फ्रंट से दिख रहा था, तो साइड में मैं डॉटेड लाइन हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शंस मैंने ऑलरेडी लिया है, तो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली जब भी मैं साइड से देख रहा हूँ तो ये भी मुझे नहीं दिखेगा, ये मुझे फ्रंट, ये मुझे टॉप में दिखा था, तो इसका भी मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये तो आपके पास ऑलरेडी है, देखो टॉप का मैंने प्रोजेक्शंस लिया है, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट का भी प्रोजेक्शंस लिया है, तो यहाँ पे तो मैं सिंपली इन दोनों पॉइंट के बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ। तो ये मेरा साइड व्यू बन गया। मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ, ये पॉइंट को ओरिजिन लिया और यहाँ से मैंने 50 mm का लाइन ड्रॉ किया, थ्रू अ प्रोजेक्शन लाइन मुझे ये पॉइंट मिला था, तो मैं लाइन ड्रॉ किया। हाइट दिया 15 mm, तो 15 mm का मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस लिया था, यहाँ तक मुझे पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली ये भी हो गया, अभी मुझे रेक्टेंगल दिखेगा, ये पोर्शन मिल गया, तो मैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बिटवीन दीज टू पॉइंट, तो मेरा ये रेक्टेंगल हो गया। अभी मेरे पास ये पॉइंट अवेलेबल है यहाँ पे, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड करोगे, ये थिकनेस 12 mm लिया है, बट प्रोजेक्शंस में भी आपने 10 mm लिया है, ये कितना है टोटल 10 mm, इसका भी आपने प्रोजेक्शन लिया होगा, यहाँ पे लिया था, और ये लाइन ऑलरेडी आ रहा है, तो ये पॉइंट यही लाइन पे है ना, ये पॉइंट किस लाइन पे, यही लाइन पे, यहाँ पे मैंने कट कर दिया, तो मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया। तो मैं ये लाइन फर्स्ट ड्रॉ करूँगा, फिर ये लाइन कहाँ तक जाएगा, टिल द लास्ट और अपर हाइट ऑफ दिस सर्कल, तो जो मैक्सिमम हाइट है दिस वन, ये पॉइंट को मैंने प्रोजेक्शन किया, जहाँ पे कट किया ये लाइन को, वहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। फॉर सेकेंड लाइन के लिए मेरे पास ये पॉइंट अवेलेबल है यहाँ पे, ये लाइन का मुझे एंड पता नहीं है, एंड पॉइंट मैंने क्या कंसिडर किया, जो मेरा स्मॉलर सर्कल है ना उसका जो मुझे प्रोजेक्शन है वहाँ तक लेना है, तो इसमें स्मॉलर सर्कल का जो अपर पार्ट है ना उसके प्रोजेक्शंस तक लेने थे, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, बिकॉज ये कर्व में है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कर्व प्रोवाइड कर दिया। नाउ जब भी आप साइड से देखोगे तो आपको ये सेक्शन भी दिखेगा, ये पॉइंट अवेलेबल है आपके पास यहाँ पे, ये पॉइंट अवेलेबल है आपके पास यहाँ पे, ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, कैसे, तो टोटल हाइट दिवन 20, और आपने प्रोजेक्शंस भी ले सकते हो, ये देखो हमने प्रोजेक्शंस लिया ना, ये पॉइंट मिल गया, तो टोटल हाइट मुझे मिला, ये यहीं से क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली अब मुझे ये ड्रॉ करना है, इसके लिए जब आप साइड से देख रहे हो तो आपको ये रेक्टेंगल दिखेगा, मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट अवेलेबल है, नीचे का पॉइंट फाइंड करना है, तो नीचे आपको कितना दिखेगा, मैक्स टू मैक्स आपको ये इतना ही हाफ सर्कल ही दिखेगा, रिमेनिंग ये साइड का तो जब इधर से देखोगे तो दिखेगा, तो ये पॉइंट आपको मिल जाता है, तो आप इजीली रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज ये और ये अवेलेबल है, ये मिल जाएगा और ये भी इसके पैरेलल में ही रहेगा। सो ये पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, तो जो लार्जर सर्कल है उसका प्रोजेक्शंस, तो मेरा लार्जर सर्कल का प्रोजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, बिकॉज यही लाइन था, बिकॉज ये पॉइंट को नीचे लेके जाओगे तो यहीं पे कट होगा, ये अपने प्रोजेक्शंस ऑलरेडी लिया था 20 mm का। सो मुझे ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा जो लार्जर सर्कल का प्रोजेक्शन लोगे वो वहाँ पे, और यहाँ से जो 20 mm का प्रोजेक्शंस लिया है जहाँ पे कट हो रहा है वो पॉइंट आपको ये हो जाएगा, यहाँ पे कट हो रहा है,
20 mm का प्रोजेक्शन लिया और लार्जर सर्कल का प्रोजेक्शन लिया ये, तो सिंपली मैंने क्या किया ये लाइन ड्रॉ कर दिया। जब साइड से दिख रहे हो तो ये जो सर्कल है लार्जर, इसका मुझे थिकनेस दिखेगा, ये थिकनेस कितना है 10 mm, टोटल 20 है, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 10। ये आप कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए भी मुझे प्रोजेक्शंस दिए हैं। देखो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया, मतलब यहीं पे कहीं तो पॉइंट रहेगा। सेकेंड जो थिकनेस 10 mm है उसका मैंने प्रोजेक्शंस लिया था, तो जहाँ पे ये और ये लाइन कट किया वो पॉइंट अवेलेबल मुझे ईजिली मिल गया। जहाँ पे ये लाइन कट हुआ वहाँ पे मुझे प्रोजेक्शन पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट को मैंने इजिली ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा रेक्टेंगल, तो ये मेरा साइड व्यू हो गया। ना जब ये अगेन मैं साइड से देखता हूँ तो मुझे ये जो हाफ सर्कल है वो नहीं दिखेगा, मुझे वो फ्रंट में दिखेगा, तो वो मैं साइड में क्या करूँगा, डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। सो मेरा जो स्मॉलर सर्कल है उसका मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस लिया था, तो मेरे पास ये पॉइंट्स अवेलेबल है प्रोजेक्शन पॉइंट्स, उसके बीच में इन बिटवीन दोज टू पॉइंट्स मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली जब भी मैं साइड से देखता हूँ तो मुझे ये कट भी नहीं दिखेगा, ये मुझे कहाँ पे दिखेगा, टॉप पे दिखेगा, तो इसका भी मुझे क्या करना, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, हिडन लाइन ड्रॉ करना है। इसके भी मैंने प्रोजेक्शंस ले लिए थे, देखो तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ किया है, बिकॉज जब साइड से देखोगे तो ये फुल क्या दिखेगा आपको, रेक्टेंगल दिखेगा। सिर्फ मुझे यहाँ पे ये हिडन लाइन ड्रॉ करना है, ये हिडन लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने प्रोजेक्शंस लिया था, तो यहाँ पे मैंने हिडन लाइन ड्रॉ कर लिया, बिकॉज टोटल मुझे जो ये हाइट है वो 20 mm का ही दिखेगा, ये हिडन लाइन 20 mm का ही है, तो इसके लिए मैंने 20 mm के बीच में मेरा ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बन के रेडी है। दिस वन इज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, सो थैंक यू।